दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। एक ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि यार अमृतसर पंजाब के मार्केट को एक्सप्लोर करो, तो आज मैं आया हूँ सब्जी मार्केट में और मैं सब्जी मार्केट आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये सब्जी मार्केट है अमृतसर का और ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ठीक पास की जो सब्जी मार्केट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ मिलती है यार, और बहुत सारी ऐसे यहाँ पे सब्जियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब्जी मार्केट है और जो अमृतसर का और जो आपके बस स्टैंड के पास में ही है, और यहाँ पर कई तरह की सब्जियाँ मिलती है यार, बहुत सारी हैं। और ये मार्केट आज मैं एक्सप्लोर करने वाला, मैं दिखाने वाला हूँ कि इस मार्केट में और भी क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं और भी क्या क्या है, ये मैं मार्केट आपको दिखाऊँगा। और बहुत दिन हो गया मैंने मार्केट कवर नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो ये मार्केट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी जो मार्केट है ये यहाँ की मार्केट है, और अगर कोई यहाँ रह रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना इस जगह का क्या नाम है। और ये देखिए ये सब्जी मार्केट है अमृतसर का, और बहुत ही ये देखिए यहाँ पे एक पालक और ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर बैगन, यहाँ पर ये वो। और चलिए ये मैं दिखाता हूँ आपको। और तो ये देखिए यहाँ पर इसी तरह की सब्जियाँ मिलती है, ये साग है, तो ये साग है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये सब्जी मार्केट है और सब्जी मार्केट की सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि इस मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, ये मार्केट थोड़ा दिखाऊँ, और ये सारी चीज़ें हैं आपको ये भी और दिखाता हूँ। ये देखिए भैया ये मटर कितने के, 50 की पैकेट के दो। ये देखिए मटर ऐसे रेडीमेड मिलते हैं यहाँ पर 50 रुपये की दो। और मार्केट का क्या नाम है भैया, इस मार्केट का क्या नाम है? रामबाग सब्जी मंडी। अच्छा रामबाग सब्जी मंडी, अच्छा ठीक है भाजी। तो ये रामबाग सब्जी मंडी की मार्केट थी ये जो चारों तरफ का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ सब्जियाँ मिलती हैं। और ये देखिए, तो ये देखिए ये पूरा रामबाग का मार्केट है, और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और आगे क्या है इस रामबाग की जो सब्जी मार्केट है वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे टमाटर मिलते हैं, यहाँ पे सारी जो सब्जियाँ है वो सारी सब्जियाँ मिलती है। और रामबाग के जो अंदर जाने की मैं भी दिखता हूँ, अंदर भी और भी क्या सारी चीज़ें मिलती है। सही, अगर कोई यहाँ देख रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर यार ये मार्केट देख कर, ये अमृतसर की मार्केट है। और ये देखिए ये सब सारे बैठ कर यहाँ पर ये बेचते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती है। और ये क्या है पता नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं और भी अंदर यहाँ पर क्या है। तो ये देखिए ये दिख रहा है आपको। तो हम आए हुए हैं राम बाग जो सब्जी मंडी है ये, और सब्जी मंडी में देखिए ये बस इतना ही है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। तो अगर कोई यहाँ आया है तो ज़रूर मुझे बताना। और ये कैसा लगा सब्जी मार्केट, और मैं रेट पूछूँ रेट कहाँ पूछता हूँ, चलिए मैं बाहर रेट पूछता हूँ कि क्या भाव है, क्या प्राइस है रेट की। तो देखिए बटाटा है, आलू है जो वो है 25 रुपये किलो है, कांदा भी 25 है, टमाटर भी 25 रुपये किलो है। टमाटर भाजी टमाटर की भाव 30 रुपये किलो, अच्छा ठीक है। तो टमाटर भी 30 रुपये किलो है। और ये देखिए ये पूरी सब्जी मंडी, ये पूछते हैं गोभी पत्ता की भाव। भाजी गोभी की भाव 60 रुपये किलो लगेगी कम से कम। अच्छा 60 रुपये किलो, उतने नहीं है। ये देखिए तो इसी तरह के यहाँ पे सब्जी मार्केट होती है, और इस तरह की सारी सब्जी मार्केट का ये प्राइस है। और चलते हैं मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ रामबाग जो सब्जी मार्केट है। तो ये ऐसी यहाँ पे मार्केटें होती हैं, और तो ये रामबाग की सब्जी मार्केट है और जो सब्जी मार्केट में दिखा रहा हूँ आपको, और आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में और भी मैं दिखाता हूँ। और ये कौन सी मार्केट है, ये भी रामबाग की शायद सामने की मार्केट है। ये देखिए तो ये आगे किराने की मार्केट अचार, और ये देखिए बहुत सारे अचार हैं यार रामबाग की जो मार्केट है, बड़ी ट्रैफिक लगी रहती है, ये कई प्रकार के, ये देखिए कई सारे प्रकार के अचार हैं। ओहो
ये इतने सारे अचार मैं पहली बार देख रहा हूँ। फ्लावर का अचार भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए फ्लावर के अचार, ये आम के है, ये नींबू है ना, लेमन, ये भी आम है, अच्छा ये आंवला है। ओ ये देखिए यार इतने सारे अचार अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ये देख लीजिएगा। तो ये रामबाग की जो सब्जी मार्केट है ना यहीं पर ही है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है तिलक राज जो सब्जी मंडी है। यहाँ पर इतने सारे अचार की वैरायटी है, मैंने पहली बार इतनी सारी अचार की वैरायटी देखी है अपने लाइफ में। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो ये देखिए आंवला, मैंगो और ये आपके हो गए लहसुन के, करेले के, मैंगो के कई सारे हो गए, कटहल हो गए आपके, इतनी सारी मैंने पहली बार अपने लाइफ में अचार देखे हैं। तो मुझे बहुत ही देखकर पसंद आया, यहाँ पर आऊँगा अभी तो मैं ज़रूर परचेस करूँगा यहाँ पर। अभी मेरे पास थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑयली होता है, इसे मैं बैग में नहीं रख सकता। जब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगा तब मैं लूँगा। तो चलिए इसे मैं आगे चलता हूँ और आपको और भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ सामने के। तो ये पूरे है ये सब्जी मार्केट है, और ये देखिए यहाँ पर इसी तरह की है, और इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें। ये क्या बिकती है? अच्छा तो ये देखिए ये पूरी मार्केट है, ये जो सब्जी मार्केट है ये मैं हूँ यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर नारियल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब्जी मार्केट यहीं का है, और मैं चलता हूँ, मैं और भी रेट देखता हूँ, पता करता हूँ, पूछता हूँ यहाँ पे और क्या क्या सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देखा कि काजू और बादाम के जो प्राइस है वो मैं पूछता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्राइस है भाजी? अखरूट क्या भाव गए यहाँ पे? 700 रुपये। और ये किशमिश? 240। अच्छा 240 रुपये। और काजू क्या भाव मिलता है यहाँ पे? 700 रुपये। ठीक है भाजी, शुक्रिया। तो देख लिया ये जो काजू और ये सब सारी हैं 750 और 500 के प्राइजेस के मिलते हैं। और ये पूरे है रामबाग जो सब्जी मंडी है, ये वही है। और भी है यहाँ पर चीज़ें हैं, मैं आपको और दिखाऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे गुड़ और ये वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मिलती है। तो ये पूरा जो रामबाग जो सब्जी मंडी है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो रोड है ये सीधा जाता है आपका, जाता है ये आपके कहते हैं गोल्डन टेम्पल के साइड जाता है। तो ये जो रोड है ये हॉल गेट की तरफ जाता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी है, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। शुक्रिया दोस्तों।